बोलो बजरंग बली की। सुंदरकांड, वो पावन पवित्र नाम जिसके श्रवण मात्र से ही हनुमान जी के उपासक भक्ति में भाव विभोर हो उठते हैं। यह कवि शिरोमणि तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का वो स्वयं सिद्ध अध्याय है जिसके ध्यान मात्र से रोग शोक आदि स्वयं नष्ट हो जाते हैं। प्रस्तुत रचना में वही सिद्ध सुंदरकांड अति सुगम तथा सरल भाषा में भक्तजनों के सम्मुख प्रस्तुत है। जामवंत द्वारा बल याद दिलाए जाने पर महावीर हनुमान लंका जाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। वे अति प्रसन्न हैं कि प्रभु ने दिव्य चरणों की सेवा का अवसर उन्हें प्रदान किया है। हृदय में सीताराम की छवि तथा मन में स्वामी सेवा का भाव लिए पवन पुत्र लंका की ओर चलने लगे। देखो थाम करके हाथ स्वामी सेवा की डोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। ओ देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। सभी वानरों तथा सुग्रीव जामवंत आदि को धीरज बंधाते हुए हनुमान जी कहते हैं कि व्याकुल होने की कोई बात नहीं है। जब तक प्रभु राम का हाथ मेरे सर पर है, मेरे लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। जब तक मेरे हृदय बसे हैं मेरे स्वामी राम, कोई ऐसा काम नहीं जिसे कर न सके हनुमान। जब तक मेरे हृदय बसे हैं मेरे स्वामी राम, कोई ऐसा काम नहीं जिसे कर न सके हनुमान। अरे हाथों में उनके ही है मेरी डोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। ओ देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। जय हो प्रभु राम का स्मरण अपने हृदय में बसाए हनुमान जी कूद कर मैनाक नामक पर्वत पर पहुंच गए तथा वहां से इतनी शक्ति के साथ छलांग लगाई कि उनके दबाव से पर्वत सागर में समा गया। हनुमान जी को आकाश में उड़ता देखकर सभी वानर सेना प्रसन्न होकर जय श्री राम का घोष करने लगे। आकाश और उड़ गए वीर रखे में नाक पे, पवन वेग से करने लगे वो सिंधु ऊपर सैर। आकाश और उड़ गए वीर रखे में नाक पे, पवन वेग से करने लगे वो सिंधु ऊपर सैर। हर्षाए वानर लगे करने शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। हाँ राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। जय बजरंगबली। हनुमान जी पवन वेग से उड़ते लंका की ओर जा रहे थे कि अचानक मार्ग में सुरसा नामक राक्षसी उनके सम्मुख आई। पवन पुत्र को देखकर बोली कि आहा, आज मेरा भोजन मुझे मिल गया। सैकड़ों कोस चौड़ा मुंह फैलाकर हनुमान जी को भोजन बनाने का प्रयत्न करने लगी। मिली राह में सुरसा नाम की असुर कपि को, रोक लिए हनुमान राह में करके यतन अनेक। मिली राह में सुरसा नाम की असुर कपि को, रोक लिए हनुमान राह में करके यतन अनेक।
हर मिली राह में सुरस नाम की असुर कपि को एक रोक लिए हनुमान राह में करके यतन अनेक। अरे भोजन तू मेरा है कर अब न जोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। तब बड़े ही विनम्र भाव से हनुमान जी सुरसा को समझाते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की सेवा का कार्य करने जा रहा हूं, मुझे जाने दीजिए। परंतु फिर भी यदि आप मुझसे ही अपनी भूख शांत करना चाहती हैं तो मैं वापस आते समय आपके पास आऊंगा, तब आप भले ही मुझे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। बोले हनुमान जाने दो माता, देखेंगे राह मेरी त्रिलोकी दाता। बोले हनुमान जाने दो माता, देखेंगे राह मेरी त्रिलोकी दाता। पास में तुम्हारे कभी आऊंगा और, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर चले लंका की ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर चले लंका की ओर, लेकिन हनुमान की प्रार्थना करने पर भी सुरसा नहीं मानी। वो हनुमान जी को अपना भोजन बनाने के लिए संघर्ष करने को भी तैयार हो गई तथा अपने मुख को 100 योजन चौड़ा कर लिया ताकि हनुमान जी बचकर निकल ना सके। इतने पे भी ना ही सुरसा मानी, खाने को हनुमान को मन में ठानी। अरे इतने पे भी ना ही सुर सामानी, खाने को हनुमान को मन में ठानी। फैलाया मुख 100 योजन चारों ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर चले लंका की ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। जय बजरंगबली। सुरसा की जिद देखकर हनुमान जी बोले कि माँ, संसार में लोग मुझे महावीर के नाम से जानते हैं तथा वीरों का धर्म होता है माँ बहनों की रक्षा करना। ऐसी स्थिति में मैं आपसे भला युद्ध कैसे कर सकता हूँ? अब जबकि आपको भूख लगी है, आप जैसा चाहें वैसा करें। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान ने झट से सूक्ष्म अपना रूप बनाया। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान ने झट से सूक्ष्म अपना रूप बनाया। जैसे ही सुरसा ने 100 योजन का मुख फैलाया, हनुमान ने अति सूक्ष्म अपना रूप बनाया। वो तो मुख में घुसे घूम आए चारों ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर चले लंका की ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। वो देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका की ओर चले लंका की ओर, हनुमान। जैसे जैसे सुरसा अपना मुख चौड़ा करती जाती, हनुमान जी भी अपनी देह बढ़ाते जाते और फिर एकदम से अपने रूप को सूक्ष्म करके वे सुरसा के मुख में प्रवेश कर गए और तुरंत ही बाहर आ गए और बोले, लो माँ, मैंने आपका वचन रख लिया, आपके मुख में होकर आ गया। हनुमान की बुद्धिमता और वचनबद्धता देखकर सुरसा अति प्रसन्न हुई और बोली कि जाओ पुत्र,
तुम राम के समस्त कार्य करके आओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बोली खुश होकर के सुरसा मारे बा हनुमान, बल बुद्धि कौशल सब तुम्हारा लिया है मैंने जान। अरे बोली खुश होकर के सुरसा मारे बा हनुमान, बल बुद्धि कौशल सब तुम्हारा लिया है मैंने जान। जीतोगे तुम हो शक्ति अघोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। सुरसा से आज्ञा लेकर हनुमान जी ने आगे की यात्रा आरंभ की। चारों ओर विशाल समुद्र दिखाई दे रहा था। हनुमान जी पवन वेग से हृदय में राम जी का ध्यान लगाए लंका की तरफ उड़ते जा रहे हैं। सुरसा को करके प्रणाम और कर श्री राम का ध्यान, हनुमान ने शुरू किया लंका की ओर प्रस्थान। सुरसा को करके प्रणाम और कर श्री राम का ध्यान, हनुमान ने शुरू किया लंका की ओर प्रस्थान। सागर ही सागर दिखे चारों ओर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। वो देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। जय बजरंगी। हजारों करोड़ों मील सफर करने के बाद हनुमान जी को दूर कहीं एक नगरी दिखाई देने लगी, जिसे देखकर हनुमान जी मन ही मन हर्षित होने लगे। हनुमान ने खुश होकर के अपनी गदा घुमाई, देने लगी दूर से ही जब लंका उन्हें दिखाई। हनुमान ने खुश होकर के अपनी गदा घुमाई, देने लगी दूर से ही जब लंका उन्हें दिखाई। सागर के बीच वो दृश्य था घोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। हनुमान जी पवन मार्ग से उस नगरी के ऊपर पहुंच गए। वहां की शोभा तथा कार्यकलापों का बड़ी चतुराई से निरीक्षण करने लगे। एक अद्भुत वानर को आकाश में उड़ता देखकर वहां के पक्षी जोरों से चहचहाने लगे। नाना तर फल फूल वहां की शोभा रहे बढ़ाई, खंग मृग बंद करे थे क्रीड़ा मन ही मन हर्षाई। नाना तर फल फूल वहाँ की शोभा रहे बढ़ाई, खग मृग वृंद करे थे क्रीड़ा मन ही मन हर्षाई। मंगल था नगरी में नाच रहे मोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। देखो राम जी की सेना में मच गया शोर, हनुमान चल दिए लंका की ओर। लंका में हनुमान जी को चारों तरफ दानव ही दानव दिखाई दे रहे थे। किसी के दांत लंबे तो किसी की सूरत बहुत ही भयानक थी। उन सबको देखकर हनुमान जी हर्षित हो रहे थे और लंका में प्रवेश करने का दांव देख रहे थे। रूप को रूप लिए लाखों निशाचर, देख के जिनको जाए काल भी डर।